नमस्कार, मैं दिवांजलि मित्रा। कोविड-19 वायरस न सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक है बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी खतरनाक है। कोविड-19 की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है जिसका बुरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी हमारे लिए फायदे में कैसे बदल सकती। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर पर लिखा कि या तो पूरी दुनिया मूर्ख है या हम बाकियों से ज्यादा होशियार हैं कि मान लें कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो दुनिया भर में लोगों की जान पर बड़ा खतरा बनकर सामने आई और उसमें दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, वो हमारे लिए फायदे में बदल सकती और भारत को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा सकती। गौरतलब है कि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह आपदा भारत के लिए एक संकेत, एक संदेश और एक अवसर लेकर आई है, जिसे लेकर प्रशांत किशोर ने तंज किया। पीएम मोदी ने और क्या कहा था, देखिए इस वीडियो में। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है।